गौ तस्करी पर रोक के लिए परासिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि गौ तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। परासिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए राम मंदिर से रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार को शिकायत कर बताया कि कई माह से ट्रक और कई प्रकार के वाहनों के जरिए कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और इसको लेकर अभी तक पुलिस और प्रशासन ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उनकी मांग है कि गौ तस्करी करने वालों पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और वाहनों को राजसात किया जाए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि जल्द से जल्द गौ तस्करी पे रोक लगाई जाए, वरना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी होगी। मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है, गौ तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनको जल्द से जल्द रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। परासिया जिला विश्व हिंदू परिषद ने भी आज एसडीएम महोदय जी को यह ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी से यह मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो गौ तस्करी जोरों से चल रही है और गौ तस्करी एवं गौवंश के जो बाजार चल रहे हैं उसे हम बंद कराएँ। हमने 19 मांगे किए हैं, जिसमें हमने यह मांग किया है कि जिस क्षेत्र में गौ तस्करी चल रही है उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को वहाँ से हटाया जाए और जो भी गाड़ियों में गौवंश जा रहा है उस गाड़ियों को राजसात किया जाए और अन्य ऐसी 19 सूत्री मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की हैं और हम यहाँ मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन गौ तस्करों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।